हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और मैं हर सभा में बोलता हूं कि मैं जब तक मैंने कुश्ती लड़ी तब तक भी मैं पूरे देश का था, देश का साथ रहा था, और आज इलेक्शन भी मैं साथ दे रहा हूं। और आप सबको पता है कि साथ दे की चीज बढ़िया है, सब कह साथ दी चीज बढ़िया है, इसलिए इस साथ दे मैं सीधा आप सब तो कही रहे हो, कांग्रेसियों भाइयों को भी और इन लोगों भाइयों को बोलो कि साथ दे मैं अपना वो भी साथ डाले और प्रोत्साहन होंगे आगे बढ़ाने का काम करें, ना किसी को पीछे धकाने का काम करें। कुछ लोग बोलते हैं कि आज हमारा जितवा दो हम सरकार को तोड़ देंगे, और हम बोलते हैं कि वो तोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम करते हैं, या भी वो तोड़ने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। मैं किसी एक जाति का नहीं हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूं, मेरी बस एक ही जाति है, इंसानियत जाति है मेरी, कोई भी मेरे को किसी जाति में बांध नहीं बांध सकता, क्योंकि मास्टर कौन था, मैं 7 साल की उम्र मैंने पहले स्टार्ट की, आज तक मैं हर समाज में बैठे हूं, हर समाज के बच्चेदारी के साथ मैं हूं, उनके साथ खाना खाया हूं, और मेरे ये सिद्धांत है, सभी के सिद्धांत होते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरे ये सिद्धांत है कि मैं सबको एक नजर से देखूं, एक साथ रखूं, सबको आगे बढ़ाने में अब जहां तक मेरा योगदान हो वो योगदान करूं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग हो, सभी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जो आज तक हमने करते भी आगे भी करते रहेंगे। हमारे इरादों को कोई विपक्ष मेरे विरुद्ध को तोड़ नहीं सकता, ना वो किसी चीज में मेरे को बांट सकते हैं। हम तो आज आपका बीच में, आपके बीच में बस आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग लेने आए हैं। 4 साल आप अपने बेटों को अपना आशीर्वाद दो, कभी भी मेरी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी, मैं हमेशा आपका मान सम्मान आपका अपनी सिरा को भी रखूंगा। यहां से आप खुद एमएलए बनोगे, मंत्री आप भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आप जाएंगे खुद हो, क्योंकि आप आज के साथ आपके सामने दोनों पार्टियों के नेता आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस बार 3 तारीख को जो फैसला करोगे वो बड़ोदे के हित के लिए, बड़ोदे के को आगे बढ़ाने के लिए फैसला करोगे। और लास्ट बात मैं आपको बोलता हूं कि जैसे अर्जुन को मछली की आग दिखाई दे रही, निरमाबाद देखी होगी आप सबने, ऐसे ही बस 3 तारीख को आपको कमल का निशान दिखाई देना चाहिए, कमल के निशान वाला बटन दबाओ, अपने भाई अपने बेटे को एक बार विधानसभा भेज दो, अगला काम फिर हम कर लेंगे, कर दे, आपने कोई शिकायत का मौका नहीं आओगा। बुरदार का जितनी पीछे आज तक रहा है उतनी और लगा आपका वो चला जाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब आपके बीच में आज दिन का समय 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात जो है सेवा करने में जुटे हैं। मैं खेल के साथ जो है उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई किसी का हो नहीं सकता। एक बड़ौदा वालों, एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला की आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखो बड़ौदा में क्या हो नहीं सकता, फिर देखो बड़ौदा में क्या हो नहीं सकता। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आप लोग तालियां बजाकर जो है जोरदार स्वागत करेंगे, मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा की कठोरा की है माटी, हम जिसको ये कह सकते हैं कि बहुत मजबूत फेफड़े वालों की ये माटी है, क्योंकि कबड्डी के खेल के मैदान की माटी है। और जो कबड्डी का सांस भरना और पारा जीत के लेना ये जिन खिलाड़ियों के जिम्मे हो उनमें दम भी बड़ा जोरदार होता है।
बात का दम, कई मौके आएंगे। पहला मौका अभी देखता हूं कि आपकी आवाज, अगर योगेश्वर भाई को चंडीगढ़ पहुंचाना तो आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता के भाई द्रावणी तगड़ी, भारत माता की जीरकपुर पहुंच रही। अब सेक्रेटरी को जानी है, भारत माता के धन्यवाद। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री इस नाते से हमारे साथ थी और बहुत ही अनुभवी राजनेता चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, दूसरे हमारे मंत्रिमंडल के साथ थी श्री अनूप सिंह जी धानक, हमारे इस इलाके की शान बनने जा रहे जिनके सिर पर जीत का सेहरा हमें पहनाना है। इस विधानसभा की माटी में जन्मे न केवल प्रदेश बल्कि देश की आन शान को बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई योगेश्वर दत्त पहलवान, इनसो के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जजपा के नेता भाई दिग्विजय जी, मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, प्रमुख नेतागण, जिसमें इसी इलाके के नेताओं में प्रताप सिंह जी मलिक जो आज हमारे बीच में है, जिन्होंने जीतने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं और इतनी बड़ी आयु में भी इनके मन में अगर कोई विचार पनपता है तो युवाओं के नाते से हमेशा तरफ कहता रहता है। तीन दिन पहले मेरे पास जब आए पार्टी ज्वाइन करने से पहले कहने लगे कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा लेकिन कि मैं पीटीआई का कर दो, कि मैंने कहा जाओ इनका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, आप आ जाओ पार्टी में। वैसे हमारे युवा रहकर बुजुर्ग नेता प्रताप सिंह जी मलिक, श्री रामचंद्र जी जांगड़ा, हमारे यहाँ के नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी मलिक, बलराम जी नरवाल, जो इस इलाके के हमारे बड़े प्रमुख नेता, खास करके कपूरा निवासी श्री बलजीत मलिक जी, वजीर नरवाल जी, अशोक मलिक चेयरमैन, चेयरमैन जिला परिषद बहन मीना नरवाल, रजनी मिर्माणी जी, राजवीर जी चेयरमैन, सत्यवान जी नरवाल, सुरेश कुमार जी सैन, नाम बहुत लिखते हैं, जो सब बोल दिए वो सब जी, जो ना भी बोले हो चाहे मंच पर हो चाहे सामने बैठे हो, सबको जी मान करके सबको मेरा अभिनंदन। भाई बहनों, इस प्रदेश का जो पिछड़ा सारा इतिहास चला आ रहा है, हम लोग लंबे इतिहास में चले जाएं तो या पिछले 10-15 साल की बात करें तो हमारा शासन भारतीय जनता पार्टी इस नाते से तो दूसरी पारी 6 साल हो गए, गठबंधन की हमारी पहली पारी और हमने परसों ही 1 साल अपना पूरा किया। उस 1 साल के अवसर पर पूरा होने पर मैंने और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री भूषण चौटाला जी ने हिसार के अंदर एयरपोर्ट का जो हवाई पट्टी उसका भूमि पूजन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साल भर का पूरा लेखा जोखा हमने बताया था। हम आपके बीच में पहले जब आए थे तो सरकार बढ़ाने के लिए आपसे मत मांगने आए थे,
लेकिन अब आए हैं तो हम अपनी सरकार की मजबूती के लिए, एक विधायक अपने साथ जोड़ने के लिए, और हमने एक साल में क्या किया उसका हिसाब भी देने आए, क्योंकि यहां पर इससे पहले विधायक जिनको आपने चुना हुआ कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया, जिसके कारण से बाई इलेक्शन आया। 4 महीने पहले मैं यहां आया था, कुछ गांव में गया था और मैंने एक बात कही थी कि ठीक है दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां विधायक चले गए हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी विधानसभा में बने तो मैं तो के लीडर ऑफ द हाउस हूं, आप ये मत मानना कि हमारा विधायक कोई नहीं है। जब तक नया विधायक आप नहीं छोड़ते तब तक मैं आपका विधायक रहूंगा और मैं घोषणा करूंगा। और उसके बाद हर गांव के सरपंचों से, दोनों पार्टियों के हमारे नेताओं से, सामान्य लोगों से मीटिंग कर करके उन्होंने पूछा कि आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी मांग है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन 4 महीने में जो बताया वो सारे काम उन्होंने करवाए थे। सरपंचों को जितना पैसा भेजना चाहिए था वो भेजा है, आचार संहिता के नाते कुछ पैसा रुक गया, काम शायद नहीं करवा पा रहे होंगे, लेकिन जो पैसा आ गया है तो 11 तारीख के बाद सब अपना काम भी कराएंगे। चाहे यहां बिजली के काम थे, पीने के पानी के लिए कई ट्यूबवेल लगवाए, नहर के पानी के लिए जहां नहरी व्यवस्था कमजोर थी वहां भी उनको पानी सिंचाई के लिए भिजवाया, ट्रेन नंबर 8 में पानी चलवाया, जितने भी विषय बताए गए वो सारे काम गली नाली सड़कों के लिए करोड़ों रुपए सरपंचों के खातों में भेजे। इन 4 महीने में 165 करोड़ रुपया ये हमने भेजा है विकास के काम के लिए। इससे पहले जो 6 साल में आया है वो 100 करोड़ रुपया अलग है, लेकिन मैं केवल 4 महीने की बात बता रहा हूं। तो मित्रों एक बात का भरोसा आपको दिलाने आया हूं कि जो हम कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो हमको नहीं करना होता उसको कभी कहते ही नहीं है। ये मनोहर लाल का एक वचन है कि जब जो कहा उसको पूरा किया है, वरना मैं अड़के खड़ा गया हूं ये नहीं करवाए। अब आपको चुनाव के दिनों में जब पहले भी आपने पिछली सरकारें देखी लुभावने नारे खूब दिए गए जो पूरे नहीं हुए, हमने जो कहा उसको पूरा भी किया है आगे भी करेंगे। कुछ वायदों का जिक्र भाई योगेश्वर जी कर रहे थे, 2 कॉलेजों में एक में तो क्लासेस भी शुरू हो गई है, ऐसा में हो गई क्या क्लास शुरू हो गई। दूसरा कथूरा अगले सेशन से पहले कोई भी बिल्डिंग देख करके यहाँ क्लासेस शुरू कर देंगे, साथ साथ कॉलेज की बिल्डिंग बनाने शुरू कर देंगे। दूसरा बड़ौदा में हो तो कथूरा वालों को फायदा हो जाएगा, कोई बात नहीं कथूरा को जवाब कर देंगे आके। इसी प्रकार से हमने अगर मोटाणा का जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है तो उनके लोगों से, सारी मैनेजमेंट से, सब लोगों से बात हो गई हमारी। निश्चित रूप से जैसे ही 11 नवंबर जाएगी उसके बाद उसके सारे प्रावधान करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जैसा वो चाहेंगे वैसा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कई प्रकार की बढ़ती है, जैसे वहां के लोग चाहेंगे वैसे ही बढ़ाएंगे। IMT की बात कही गई, हम ऐसे नहीं है कि IMT बढ़ा भी देंगे और उसके बाद रोहतक में IMT बनी हुई IMT। इस ढंग से अनाप शनाप उसके पैसे लगा दिए कि आज तक वहां लेने वाले लोग नहीं पहुंच रहे, रेट इतने भारी हो गए। हमने कहा नहीं, हम जो उद्योग लगने वाला है उसकी मंशा के हिसाब से और किसानों की मंशा के हिसाब से, जिन्होंने रोजगार लेना है किस तरह का रोजगार लेना है उनकी मंशा के हिसाब से तीनों का तालमेल बैठा करके, और इस बड़ौदा विधानसभा में जहां हमको 1000 एकड़ जमीन मिलेगी वहीं IMT बनाने का वायदा हमारा पक्का है। हैफेड की चावल की मिल ये भी हमने हैफेड से क्लियर करा लिया है, तो करें जो हमारी 10 मिलें पहले चलती हैं, हमने एक नई मिल और बनाई है, कहां बनाए? मैंने कहा इससे मत मौका बड़ौदा विधानसभा में है, जहां चावल ज्यादा होता है वहां बनाओ।
नेशनल हाईवे ये ठीक है कि यहां की डिमांड के हिसाब से तो शायद नहीं बने होंगे, राष्ट्रीय योजना के केम की सड़क खत्म होती है, कहा कुंडली में खत्म होती है, कुंडली से ही वो नेशनल हाईवे चलेगा और उसका रास्ता यही गोहाना के पास से बड़ौदा विधानसभा से होते हुए जींद और नरवाना की तरफ से जाते हुए सीधा अमृतसर जम्मू और कटरा यहां तक वो जाने वाला है एक्सप्रेस वे। इस रास्ते से अगर कटरा जाना हो आज सड़क के रास्ते से जाए तो 16 घंटे लगते हैं और इस रास्ते से जिस दिन ये नेशनल एक्सप्रेस वे बढ़ जाएगा 8-9 घंटे में कटरा पहुंच जाएगा, 5 घंटे में अमृतसर पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा विस्तार, इसी प्रकार जो पहले से नेशनल हाईवे यहां के बन रहे हैं उसका काम शुरू हो गया और जहां सड़कें बन जाती हैं वहां कोई कारण नहीं है कि वहां विकास नहीं हो, सड़कें बनाओ विकास करते चले जाओ, क्योंकि हर कोई आ रहा है, आदमी बाहर का भी प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने वाला भी आता है, वो कहता मैं वहीं जाके खोलूंगा जहां सड़क से मैं जल्दी पहुंच सकूं। दिल्ली का आदमी 1 घंटे में आया करेगा, आज तो 2.5-3 घंटे में भी पहुंचते हैं। अगर दिल्ली से भागोड़ा बावल पहुंचने के 1-1.5 घंटे में वहां इतनी इंडस्ट्री लग सकती है तो अगर कोटली से यहां आते हुए अगर आधे 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा तो यहां इंडस्ट्री क्यों नहीं आएगी, आएगी कुछ सरकार लगाएगी कुछ अपने आप आएगी। तो काम करने के नाते बहुत बढ़िया, कतूरा गांव कहते हैं कि 2000 किले जमीन देने के लिए तैयार है आईएमटी के लिए, मैं अगर 2000 एकड़ कतूरा देने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से कतूरा कोई पहली प्राथमिकता रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कतूरा की समस्याएं भी मुझे बताई गई, यहां का किसान कितना परेशान है, वर्षा आती है बहुत सा इलाका ऐसा है जब पानी भर जाता और पानी भरने के बाद वहां पर किसान को परेशानी होती है, खड़ी फसल खराब हो जाती है, अगली फसल बो नहीं सकते। इस बार तो हमने टेम्परेरी व्यवस्था करके और वहां का पानी की निकासी खूब कराई है। मैं आपको वादा करता हूं पूरा सोनीपत जिला हमने योजना बना ली है ये समस्याएं भागे नहीं आने नहीं देंगे। पहली बात तो पानी आएगा, जितना जमीन के अंदर डाल सके तो उतना जमीन में डालेंगे रिचार्जिंग के लिए, बता पानी चाहे आपकी ड्रेन के माध्यम से चाहे नई ड्रेन बनानी पड़े, हर खेत तक जो पानी खड़ा होता है वो सारा ड्रेन के माध्यम से बाहर जाएगा, किसी किसान को समस्या नहीं आने देंगे। हम लोगों ने किसान की बात हमेशा आगे रखी है, मुआवजा कोई भी किसान का नुकसान हुआ है उसमें मुआवजे में ये सरकार पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए बांट चुकी है। अगर निजामपुर के लोग यहां बैठे हों, कोई है निजामपुर का बैठा हुआ, दूर है गांव निजामपुर क्या, यहां से दूर है, मुझे याद है कि इस विधानसभा के निजामपुर गांव में चेक बांटने के लिए मैं आया था और 8-10 करोड़ रुपया उस गांव के लिए गांव के लोगों को मुआवजा मिला था निजामपुर के लोग। तो इसलिए हर गांव के अंदर यहां सैकड़ों यानी 10-10, 20-20, 10-10 करोड़ का मुआवजा भी उनको मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिला हो और चाहे हरियाणा सरकार ने दिया हो। हरियाणा सरकार 12,000 का मुआवजा देती है जबकि पिछली सरकारें 1800, 2000, 2500 आखिरी उनका 5000 था, हमने 5000 से सीधा एकदम 12000 रुपए किया। इसलिए मित्रों किसान की कोई नुकसान होने की कभी कोई गुंजाइश होती है हम उसको पूरा करते। सब्जियां भावांतर भरपाई योजना में के नफा हो तो थारा, घाटा हो तो सरकार का, मंडी में जाके बेच जाओ, सड़क पर फेंकने की जरूरत नहीं है, जिस घाटे में बेचेगी वो सरकार देगी। और हमने भावांतर भरपाई योजना से सब्जियों का ये लागू कर दिया, 19 सब्जियां ऐसी हैं, संयोग से अभी तो सब्जियां काफी महंगी हो गई, किसान को तो फायदा है ही है, पब्लिक को चाहे उसका पैसा नहीं है किसान को तो फायदा है, लेकिन कभी सस्ती हो जाए तो उसका लागत मूल्य का किसान को जरूर मिलेगा, ये गारंटी हमने उसमें ली है। किसान आसानी से अपनी फसलों को ठीक से बेच सके, मुआवजे में उसको समस्या ना आए, बैंकों से झगड़े ना हो, कंपनियों से झगड़े ना हो, हर एक किसान का लेखा जोखा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अभी हमने नई चीजें की है, इसलिए की है कि सबकी सुविधा रहेगी, किसान को योजना बनानी आ जाएगी, मंडियों को भीड़ नहीं लगेगी, जिसको जब SMS जाए अभी अपने लेके आ जाओ तो लेके पहुंच जाए वहां मिल जाए।
एक समस्या पिछले दिनों में आई, क्या पेमेंट लेट थी, मानता हूं मैं 5-7-8 दिन शुरू शुरू में पेमेंट बहुत लेट थी, क्योंकि जब नई व्यवस्थाएं बनाई जाती है कई उसके अंदर समस्याएं आती है बैंकों से के माध्यम से। और हमने नए खाते जो किसानों के खाते हैं, 70% किसानों के खाते ऐसे हैं जिसमें सीधी पेमेंट गई है, केवल 30% आरडीओ के माध्यम से। किसानों के खाते में सीधी पेमेंट गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई, आई कभी नहीं आती थी पहले, पहले घूम घुमा के आती थी, नगद पैसा तो मिलता ही नहीं था, आपके कुछ पैसे उसने अपने काट लेने, बाद में घर में इंद्रा शादी आएगी उसके जाके टूम ले आओ, लत्ता ले आओ, कुत्ता ले आओ, उससे जाकर वो दिलवा देता था। आपको खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, वो आपको दिलवा देता था। कभी 100-200 रुपए बाढ़ के चीज के भरने होते वो आ जाकर जाते थे, बाकी कोई पैसा हाथ में किसान के नहीं आता था। आज किसान के हाथ में लाखों रुपए आते, अपनी मर्जी से खर्च करेगा, जिसको देना देगा, फालतू में कोई नहीं देगा। और जो किसान की उम्र आयु हमें डबल करनी है, उसकी आमदनी अगर डबल करनी है, तो ये भी उसका प्रकार है कि खाते में सीधा उसका हाथ पहुंचे, उसके खाते में रकम पहुंचे, उसके हाथ में पहुंचे, ठीक से खर्च करेगा, गलत ढंग से उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बैंकों से 0% पर ब्याज दिलाते हैं, और ये बीच में जो लोग हैं वो आपके ब्याज के कितने कितने परसेंट देते हैं आपको ज्यादा पता है। आमदन बढ़ाने के लिए हमने काम किए, इसी प्रकार हमने हर वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए, पूरे हरियाणा में अच्छी शिक्षा बालकों को कैसे मिले, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके लेवल अच्छे ऊंचे, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल इस नाते से 123 स्कूल हमने हरियाणा में खोल लिए हैं, और 1000 खुले हुए स्कूल जिसके अंदर अंग्रेजी की शिक्षा शुरू में दे सके, हिंदी अंग्रेजी दोनों होंगी, हिंदी में गायब होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आज अंग्रेजी का बचपन में ही अगर थोड़ा बेस अच्छा बनेगा तो आगे चल करके उसके कॉम्पिटिशन में बाकी पढ़ाई में अच्छा हो सकेगा। स्पेशल भी हमने सेंटर खोले हैं, सुपर 100 नाम से 2 सेंटर खोले, आपको हैरानी होगी 1 साल के अंदर उसका रिजल्ट आया है, 25 बच्चे तो नीट में लगे हैं और 72 बच्चे जेई में लगे हैं या उल्टे होंगे, कोरोना के स्थानों में बच्चे जो है इन परीक्षाओं में जाकर के पास हुए, किसी स्कूल के सेंटर के इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नहीं गए। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था विशेष की जाती है, और अपने यहाँ भी इस प्रकार के स्कूल निश्चित रूप से खुले होंगे, और जो नए खुलने उसमें यहाँ भी उसका योगदान होगा। करते रहते थे, बांटते रहते थे, क्लेम करते थे हमने 50 नौकरी दे दी, 100 नौकरी दे दी। मनोहर लाल कहता भाई नौकरी तो 80,000 लगी है लेकिन मैंने एक भी नहीं दी है। जो लिए हम नौजवानों ने अपने बल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर लिए, उनका काम है ले जाने वाला। हमने कॉम्पिटिशन खड़ा कर दिया, पढ़ो लिखो होशियार बढ़ो, और जिसको नहीं मिलती वो भी राजी है, वो कहता आना धेला भी नहीं खर्चना पड़ा, पता भी लग गया कि मैं कमजोर हूं, अगली बार फिर ट्राई करूंगा। घोड़ लगते हैं पढ़ाई की, लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं मिलती, तो आज व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के काम में कांग्रेस जो है वो यथास्थितिवादी पार्टी है, कभी कोई बदल करने की इच्छा नहीं रहती, जैसा चल रहा चलता रहे, बदल करने में उनको पता है कि बहुत बड़ी तकलीफ होती है उनको, उसके कई सिस्टम बंद हो जाते हैं। ये जो दौड़ कपड़िए ताला कर रहे ना, जिनका धंधा ये था, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, उनके दौड़ कपड़ियों के सारे कुर्ते पर जाकर निकाल करके कुर्ते और कुर्ते पटकवा दिए, बेचारे बेरोजगार तो हो गए हैं, लेकिन हमें सहानुभूति है, कुछ करो, अपना करो, धंधा करो, 10 लाख रुपए की कमाई आनी चाहिए, फिर अपने परिवार को पालो, गलत धंधे करने वालों के लिए नहीं तलाश करेंगे। कई हमने काम किए, रजिस्ट्रियां उसको ठीक कर दी, तहसीलों में जो धंधे करते थे वो बंद कर दिए, अभी आरटीए ऑफिस उनमें कोविड शिकल चलती थी, पिछले महीने ही उस सारे काम में ओवरऑलिंग कर दी है, तो ऐसी एक एक चीज की ओवरऑलिंग करना ये हमारे झंडे पर है, और आगे हम एक नई व्यवस्था करने भी जा रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र हर परिवार के खाते बनेंगे, उस परिवार में कौन मेंबर, क्या उसकी जरूरत है, घर बैठे उसको बताएंगे, और कौन क्या काम कर सकता है सरकार के लिए, प्रदेश के लिए, उसकी योग्यता के शुल्क ला के लाएंगे कि तुम्हारी ये योग्यता है, घर में बैठे काम में लगो, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो स्कूल नहीं जाते स्कूल को जाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो विशेष मेहनत करेंगे,
रोजगार नहीं मिला तो रोजगार दिलाएंगे, स्किलिंग के ट्रेनिंग कराने पड़ेंगे, हुनर सिखाना पड़ेगा, वो सिखाएंगे। किसान है, छोटा किसान है, उसकी आमदन कैसे बढ़े इसकी चिंता करेंगे। ग्रोथ बहुत छोटी हो गई है, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 3 एकड़, 2-3 एकड़ में आज अच्छी खेती करेगा तो 2 लाख 3 लाख भी कमा सकता है। उसके लिए हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव किसान, उनको बुलाया था कि अपने जिम्मे 10-10 किसान ले शुरू में। आपके यहाँ सोनीपत जिले में भी बहुत है प्रगतिशील किसान, मनोली गांव में गया था, बहुत बड़े उन्होंने अपने खेती के अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, दिल्ली सप्लाई करते हैं, सब्जियां ग्रीन हाउसेज बना रखे हैं। हम लोग काफी भी अपने आसपास के 10 किसानों को ऐसा बनाओ अपने जैसा, आपको इनाम देंगे, उसमें से आगे बढ़ना। हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, अब हॉर्टिकल्चर भी बना दी, लुवास अलग से दूसरी चल रही है पशुपालन के नाते। तो ये सारे काम अपने नौजवान को काम कैसे मिले, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाए। जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कांग्रेस ने बहुत बताया है कि 3 कानून है, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, MSP नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बैठ भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात बात करेंगे, आज मुझे बताओ MSP खत्म हुई क्या, मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी, ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने MSP को बेचो। पहले एक दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गए। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना, तो MSP गारंटी होने की और MSP लागू रहेगी, MSP खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि MSP खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। MSP नहीं रखेंगे, कांग्रेस झूठ बोल करके बहकाए नहीं, झूठ बोलने की आदत शुरू से पड़ी है इनको। 133 साल पुरानी पार्टी हो गई है, शुरू शुरू में तो ठीक ठाक थे, नहीं बाद में झूठ बोल बोल के बहकाने का काम। कई उदाहरण है, अभी पीछे 370 जम्मू कश्मीर में हटाने की बात आई थी, तो कांग्रेस की कहते थे ना इसको हटा देना, इसको हटाओगे तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो जाएगा। 1 साल हो गया 370 हटे हुए, खून खराबा हुआ क्या, शांति हुई कि नहीं? ऐसे ही एक बिल आया था CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कहा था कि भारत के 3 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से 4-5 वर्ग हमने तय किए थे कि ये लोग अगर वहां परेशान हैं, इनकी इज्जत पर हाथ लगती है, तो ये वहां चाहे तो भारतवर्ष में आकर के नागरिकता ले सकते हैं। जब वो पास किया तो उन्होंने शोर मचाया, चाहे पास जैसे धरने के ऊपर लोग उकसाया, महीनों धरने चलते रहे कि अगर CAA लागू हो गया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। कोई खून की नदी बही क्या? नहीं बही। जब पाकिस्तान शरारत करता था तो मुकाबला करने के लिए जब इनकी सरकार होती थी हमेशा डराते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दिया तो दुनिया के लोग हैं और न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर डाल देंगे। क्या कोई पाकिस्तान जब हमेशा बम मारा उनके बालाकोट के ऊपर, कोई पाकिस्तान में कुछ हुआ क्या? तो पाकिस्तान की ओर से कुछ आया? कुछ नहीं आया। ऐसी 3 कानून के बारे में डराते हैं, मेरा भाइयों करने की जरूरत नहीं है। 3 कानून ये किसान के हित में है, किसान की आमदन बढ़ने वाली है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति जो है, सांस खुली पड़ी है, बोलता एकदम सांस खुली। शुरू शुरू में जो आए कहते थे 15 दिन पहले 20 दिन पहले भाई बीजेपी के कैंडिडेट की या गठबंधन के कैंडिडेट की योगेश्वर दत्त की तो जमानत जब्त होगी, ये शुरू में यहां से चले थे। बाद में जब हमने योजनाएं बनाई, हमारे नेता घर घर जाने लगे, गांव गांव जाने लगे, तो कहने लगे भाई बीजेपी लोग घर घर जा रहे, तुम भी घर घर जाओ, फिर उस लाइन पर आ गए। आज बापू बेटा के अलावा और कोई नहीं उनके पास घूमने के लिए, यहां सारी पार्टी बैठी है। चौधरी लड़की से प्रकार क्या, जेपी दलाल क्या, हमारे
दुष्यंत भाई भी कल से अपना शुरू करेंगे, वो आएंगे। दिग्विजय सिंह यहाँ बैठे हैं, इनके अपने नेता कुसारे यहाँ बैठे हैं, इसी प्रकार भाजपा के नेता मेंबर पार्लियामेंट सब बैठे हैं। पूरी टीम बना करके, गांव गांव की टीम बना करके सब जगह जा रहे हैं, लेकिन इनके नेता दो के बाद तीसरा नहीं आ रहा है, क्योंकि भय लगता है इनके तो कैंडिडेट भी ना, ना मुझे नीचे कोई भी, एक वीडियो सुनी थी मैंने, मुझे नीचे कोई भी पसीने आ रहे हैं, और भाई जहां तक इनके कैंडिडेट का सवाल है, जैसे खड़ा किया उससे पहले तो किसी ने, हमने तो नाम नहीं सुना था, वृद्धावल ने सुना मेरे बड़ा पता, किसी को नहीं पता था कौन कैंडिडेट, तम्मी कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया और अपना चुनाव बढ़ा लिया। आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो खुद आ जाए, हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता उनको हराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब वो कैंडिडेट उनका डमी है, इज्जत उनकी खुद की दाव पर लगी है, लेकिन विश्वास आपकी ओर से मुझे हो गया है पिछले तीन चार दिन के अंदर कि हमारा कैंडिडेट भारी मतों से जीतेगा, आप मुझे पाएंगे। बड़ौदा गांव के और आसपास के जो हमारे गुवांडी गांव है जहां के लोग यहां आए बैठे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग समझिए, उनको अपना कैंडिडेट जिताने की कोई चिंता नहीं है, वो तो अगर चिंता कर रहे हैं तो अपनी कर रहे हैं बापू करता, लेकिन हम अगर जिता रहे हैं तो भाई योगेश्वर जी को जिता रहे हैं, योगेश्वर जी जीतने के बाद फिर वो चैन से नहीं बैठेंगे, आपकी सेवा में दिन रात लगाएंगे, जितने काम आपके हैं हमारे पास चंडीगढ़ में आएंगे, आधी रात आएंगे, आंख बंद करके साइन कर देंगे, और नहीं ये चैन से बैठने लगे, वैसे तो पहलवान बैठेंगे नहीं, लेकिन बैठने लगे तो मैं नहीं बैठने दो, कभी चैन से नहीं बैठना, झंडी लगेगी, भाइयों बहनों एक राज और खोलना चाहता हूं, वो ये कि हमारी जब लिस्ट बनी कि चुनाव किसको लड़ाना है, तो एक इस गांव का बड़ा नेता वो भी हमारी लिस्ट में था, और संयोग से वो शुरू शुरू में काबिल नंबर एक पर, भाई योगेश्वर को उनके बाद आते थे, मैंने योगेश्वर को बात की, भाई तुम दो लोग हो, टिकट या तो योगेश्वर को मिलेगी या उस कतुरा वाले भाई को मिलेगी, अब कतुरा वाले भाई के भाग भागपुर है, भागपुर है, आगे बढ़ गया, फिर आज मैं यहां से नहीं वहां से लड़ूंगा, अगर उन्होंने भी ठेका दिखा दिया, अगर मैं ठेका दिखा दिया, एक कहावत है कि गुरुद्वारे में एक आदमी गया तो उसने हाथ आगे करके प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेके लालच आ गया, दो मिनट बाद फिर वो प्रसाद जो बांटा था उसके आगे पिरड़ गया, अपने प्रसाद वाला हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ आगे कर दिया, उस भाई ने जिसने प्रसाद बांटना था वो पहचान गया, क्योंकि तो पहले प्रसाद ले गया था, उसने कहा ले गया था, इतने पीछे से कुत्ता आया वो उस पिछला प्रसाद खा गया, वो कुत्ता खा गया आगे से मिला नहीं, ये है हाल। लेकिन मैं एक बात की ओर ताकीद करता हूं, भले वहां से उसको धोखा मिला हो, मैं डॉक्टर कपूर नरवाल की बात करता हूं, हमारे जैसा पहले कपूर नरवाल था आगे भी वो वैसा ही रहेगा, भले वो कहीं बैठा, इसी से गलतियां हो जाती, धोखे हो जाते, लेकिन हम अपने साथियों को ध्यान रखते, इसलिए भाई बहनों आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इन बातों से ऊपर उठकर, क्योंकि ये बातें हमारे योगेश्वर भगवान के दिमाग में कभी नहीं आई। मुझे एक बात याद है इनकी कि जब ये पहलवानी करते हुए और उस साल की भूमिका में आया तो इनके चेले भी थे जो पहलवानी शिक्षा करते, तो इनका एक चेला पहलवान बजरंग पूनिया होया, निजर का होया ना,
और बजरंग पुनिया ने एशियन जीत गए, अंतर्राष्ट्रीय में सिल्वर गए, सारे इनाम कुल मिलाकर के 5-6 करोड़ रुपए उनको इनाम मिला। अगर इनके दिमाग में जाति पाति होती तो ये 5-6 करोड़ रुपए उनको क्यों दिलवाते, मारे थे किसी और को दिलवा देते, क्यों? यही है ना, पहलवानी आपके क्षेत्र में की तभी आगे वो जीत पाया। तो कहीं जाति पाति के दिमाग में नहीं, हमारे किसी के दिमाग में नहीं, इसलिए इन चीजों पर बड़ा मन करके हमको आगे बढ़ना है। और जब बड़ा मन करके आगे बढ़ोगे तो मेरा विश्वास है कि आप लोग, ये जो सरकार हमारी है, मनोहर सरकार, मनोहर काम किए हैं, मनोहर मौका है, और इस मनोहर मौके का फायदा उठाके अगर आप लोगों ने 3 तारीख को इस जीत को मनोहर जीत बना दिया तो आपकी हिस्सेदारी भी मनोहर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपने इस मेरी बात को आखिरी बात को याद रखना, धन्यवाद। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने जहां विपक्ष पर निशाना साधा तो वहीं बड़ौदा में विकास का पूरा खाका भी रखा, साथ ही कृषि कानूनों को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने पूरी स्थिति साफ की और लोगों से जात पात से ऊपर उठकर वोट करने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि मनोहर मौका है आपके पास, योगेश्वर दत्त को जिताकर चंडीगढ़ भेजे। तो इस तरह से सीएम ने कथुरा गाँव में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है और ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और आज करीब बड़ौदा के 5 गांव में सीएम जाएंगे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर ना एमएसपी खत्म होगा और ना ही मंडियों को खत्म किया जाएगा। कांग्रेस पर उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो राजनीति छोड़ देंगे। तो सीएम का यह बड़ा बयान है जो उन्होंने कहा है कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। एक तरह से किसानों को पूरी तरह से उन्होंने भरोसा दिया है कि किसी भी कीमत पर ना एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियों को खत्म होने दिया जाएगा। सीएम का यह बयान काफी मायने रखता है, खास करके किसानों के लिए, कि उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी खत्म अगर होती है तो राजनीति छोड़ देंगे। यानी कि सीएम ने साफ तौर पर किसानों को यह आश्वासन दिया है कि आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं, हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। और इसी के तहत उन्होंने यह भी कहा है कि एमएसपी को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा और ना ही मंडियों को। उन्होंने साफ ये भी बताया कि अब किसानों के पास 2 ऑप्शन मिल गए हैं, एक तो वो चाहे तो मंडी में आके अपनी फसल बेच सकता है या उसके लिए दूसरा बाजार भी उपलब्ध है, जहां उसको ज्यादा कीमत मिले वहां वो अपनी फसल को बेच सकता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।